गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ट्रुथ ऑफ मैजिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जादूगर अमरपुर राजीव आज एक नया जादू लेकर के आया हूं। सबसे पहले मैं ये जादू आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रहस्य आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जादू की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों इस जादू की रहस्य की ओर चलते हैं। उससे पहले यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों रहस्य की ओर चलते हैं। ग्लास के अंदर दूध लेकर के आना है, इसके अंदर डाल देना है और ये वैसे इस ग्लास में वापस डाल देना है। ऐसे एक दो बार आपको करना है ताकि ऑडियंस को ये यकीन हो जाए इस बर्तन के अंदर कोई सीक्रेट ट्रिक्स नहीं है। अभी इस बर्तन का क्या है रहस्य, इसके अंदर यदि कोई लिक्विड डालेंगे, अगर हम बाएं हाथ में पकड़ करके दाहिने हाथ में एक बर्तन रखकर उसमें इस तरह से डालेंगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर दूध डाल दिया और मैं इस ग्लास को बाएं हाथ में रखा और इसको यहां पर डाल दिया तो वो आएगा नहीं बाहर, वो इसी के अंदर ही रहेगा। यही इसका रहस्य है और ये कैसा करता है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो बर्तन है इसको एक शीट द्वारा ऐसा पार्टीशन किया है जिसका जहां पर इसका हैंडल है उसका सीधा ही मैं ऐसे यहां से लेकर के नीचे तिरछा इस तरह एक शीट रखा हुआ है। ये शीट यहां से है और यहां तक है और नीचे का भाग थोड़ा सा खुला हुआ है। जब हम इसको इस तरह टिल्ट करेंगे तो अंदर जो लिक्विड है वो बाहर आ जाएगा पूरा, और जब इस तरह से ऐसा टिल्ट करेंगे इस साइड से बाएं तरफ तब क्या है ये जो शीट बनाया हुआ है उसके अंदर यानी यहां से लेकर यहां तक इसे टिल्ट करेंगे उस चैम्बर में चला जाएगा लिक्विड और नीचे नहीं आएगा। जब हम हाथ में इस तरह से रख करके इसको डालता है तो दूध इसके अंदर रह गया और ये पूरा उल्टा हो गया। अभी ये फूल का है, ये स्प्रिंग फ्लावर्स है, इसको आप खुद बना सकता है। इसका बनाने का तरीका एक अलग वीडियो में मैं बताऊंगा आपको।
अभी क्या है, मेरा यहाँ का पॉकेट के अंदर एक क्लिप है, ये क्लिप को इस पॉकेट के अंदर डाल करके ऐसा खोल देना है और यहाँ पर इसको बांध देना है। इसका पोजीशन आपको दिखाने के लिए यहाँ पर किया हूँ, यहाँ पर नहीं, ये पॉकेट का पीछे की तरफ यहाँ पर होना चाहिए और जब ऐसा करेंगे तो ये पीछे इधर चले जाएगा। आखिरी मोमेंट में आपने इसके अंदर जो दूध है वो इसके अंदर डाल दिया और हाथ जो है बदल दिया। अभी तक बायां हाथ से इस कैन को पकड़ा था, अभी दाहिने हाथ से पकड़ा। जब दाहिने हाथ से इसको पकड़ते हो तो ये जो क्लिप किया हुआ फूल है धीरे से उसको लेकर के खींच लेना है और वो हाथ में आ जाएगा। ये कैन को टिल्ट करेंगे लेकिन एक बूंद भी बाहर नहीं आएगा। इसको थोड़ा नजदीक करके इस तरह से ऐसा एक्टिंग कीजिए कि हाथ में जा रहा है। पूरा उल्टा कर दीजिए और उसको रख दीजिए और थोड़ा सा इसका एक्टिंग कीजिए, दूध को हिला रहा है, टेस्ट कर रहा है और उसके बाद इस हाथ में लेने का एक्टिंग कीजिए दूध को। तो उस टाइम पर दोनों हाथ में रख करके इसको ऐसा छोड़ दीजिए, पूरा स्प्रिंग फ्लावर्स जो है खुल करके आ जाएगा। ये इस तरह से था, इसे खुल कर आ जाएगा।